लो भाई, एक व्यक्ति है जो मतलब कदे तो पुलिस करता थाना कर दिया, जब थाने मारे है मैं फिर वो करूं चुपती देने का भी होगी वह बात है। अक्तने बोले यह बात पाओ कि मेरे पुराने कर्म से धीरे, पर मैं सच्चा बताऊंगा भाई, इस व्यक्ति के पुराने कर्म जरूर से धीरे। लोग नूबी को तो रोज तक ताड़ा है जो है, लेकिन जो बात होगी वह तक कहो आएंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ यो थाना मॉडल टाउन, नाम ना मॉडल टाउन है थाने का, थाना मॉडल टाउन पानीपत। सबसे पहले सरकार एक बार इस थाने के अंदर जरूर देखो, ये पुलिस वाले नौकरी करने तो बिठाए दिए, बेचारे दुखी कर रखे हो रहे, व्यवस्था ना व्यवस्था करवा रखी इनकी बेचारे की, छात क्या लिखा हो ना नूर बह हो जाए ऊपर तो छात ना पड़ जा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है उस पर जाओगे, ये कागज पत्री लेगा और कड़ा गए जी, कागज मेरे ख्याल पैक कर दिए, दिखाइयो ये कागज पैक कर दिए ने, दिखा दे ये कागज, दिखाइयो जी थोड़ा पकड़ियो, ये दिखाओ, ये छोड़ दे छोड़ दे, ये कागज कदे तो 25 साल जब जेल काटी, जब वकील वकील लेगा अंडे अर्दे सोनू मालप्रिया, ये कागज इब सोनू मालप्रिया वकील होया अंडे है भाई, थाने में खड़ा है मजबूर कर रखा है, अगर वो बात है पुराने कर्म से धरे हैं क्यों हो रहा है। राम राम भाई, भाई राम राम छोटे भाई, राम राम, तुम ना इतनी दूर ताए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। प्रॉब्लम नू है जब आदमी शरीफ बने है ना, सोचोगा शरीफ बनने में भी दिक्कत हो, लोग पहले नु कर दे बोला शरीफ रहा करो, इब तो शरीफ बनने में भी दिक्कत हो है। के जी करे फिर हमने दे दी भाई, ये 5 अब दी है, देखिए देख मामला क्यों है, एक मिनट ये पास करांगे, क्योंकि हमने तो बेरा है, एक बार मामला बता दो आज थाने में क्यों कर पहुंचे। पानीपत किसान भवन का विवाद चल रहा है, सोनू मालपुरी ने गैंगस्टर बताओ क्यों गैंगस्टर है, ये शुद्ध रहनी है सोनू मालपुरी के ऊपर, मतलब आपके ऊपर आरोप लगा लगातार, नुको जमन का बांध के पिटोगे मनसन आप भाई। उदन हमने उन पंचर पुंचर कर ना बलेरो में मारे में, जो हमारा बुढ़ा गरत है उसमें सुए मार दिए उनने, अगर भी किते गाड़ी ना जावे तो भट्ठा गोल करने का विचार था। एक सूरजबान है भाई इनका, ये हमारे प्रधान जी जगपाल रावल, इसकी जो गेंस्ट में है इधर आज प्रधान जी, तो उसने भाई ये कहा है कि भाई जगपाल और सोनू ने और एक पांडे ने इन ना भाई मारत मारन की धमकी दी, मारन की धमकी के दी है भाई, वो भी काट ली वीडियो, वो दिखाई हाँ मारन की धमकी दी, मारन की धमकी, मैंने नु कहा था मैं अभी कहा तुम इस गाड़ी में तुम सुए लाओगे ना तो थारी आड़ा जमन का बैंड का अख्या मांगली देऊंगा। फिर क्यों कही थी, क्यों कही थी, किस वे में कही थी, वो इमोशनल कही थी, क्यों कर कही थी? अरे भाई बोर तो ही मैं थरते नु कह दू बिना कहे तो बोले ला दे इल्जाम। एक जो आदमी जिस आदमी ने मान ले हमने भवन के लिए कुछ किसानों के लिए कुछ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जिनसे मैंने उन दुकानों का कब्जा छटवाया है, उनसे मैंने पैसे लिए हैं, आज तक इस भवन का किसी ने किराया नहीं बढ़ाया, ये वजह क्या थी ये तो आप उन प्रधानों से पूछो। लेकिन हम थोड़े से भवन के फायदे के किसानों के भले के लिए चले थे, उसमें मैंने 5 रस्सी वो दी है, मेरे को तो वो कार्य कुवाड़िया काट देंगे। आप ना कहो है सोनूवाल प्रिय ना कुवाड़िया काट देंगे, नाम लेगा कौन है, नाम लेगा या देखो वीडियो देखो, दिखा दो इसने काट देंगे, डंडूक बना देंगे, डंडूक बना देंगे, अब मतलब वो होगा बादशाह के मैं कह ले, तो हमने याद दी थी 1 तारीख को या इनको शिकायत या शिकायत दी थी हमने, इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लिखा था इस शिकायत में, लिखा था भाई इन्होंने हमारे महापुरुषों के हमारे किसान नेताओं के हमारे किसान शहीदों के पोस्टर पड़े हैं और इन्होंने ताला लगा दिया जी उसके भवन का, जब या जो उन्होंने कहा अगर शिकायत की रिसिप्ट है या वाह भाई दिखा दे कैमरे पे, शिकायत की रिसिप्ट थाने की लिख लो, को गड़ फिर रहनी है, एक नो की है ना ये, एक नो की ये है और भाई 29-8 की ये है, चंद्रपाल चंद्रपाल ASI या 29-8 की है, 29-7 या केस में क्या था, दूसरी में क्या था जी भाई, दूसरी में इन्होंने जब हमारे जो एक चौकीदार था सुनील पांडे और ये मुनीम है हमारे वहाँ के जो मुनीम थे, अच्छा इन पे चाबी छीनी उन्होंने, 50,000 रूपए ले गए, कुछ डॉक्यूमेंट से ले गए, हमने इनकी शिकायत तो डकैती होगी, डकैती होगी हमने थाने में दी, अच्छा। लेकिन हमारी शिकायत पे कोई काम नहीं करा, फिर हम SP साहब के गए हैं, ये SP साहब को दी है हमने, अच्छा SP साहब तभी या क्या तारीख की है जी, 28-8-2023 दिखा दे बदिनान को, हाँ ठीक है।
तो ये एसपी साहब को दी है, ये मारी है 3 और 2 5 तो ये है। हाँ। मतलब 5-5 एप्लीकेशन दे लिया, आपका कोई हल नहीं होया। बुलंदे भी कोने बुलंदे भी कोने वो तो बुलावा है, तो दो जिप्सी पर कसी देवो उन पावा है। अगर हम बुलाए देवे हम भाई नूर नू बात है तो मारे मारे उसमें छोटे भाई के कर हमने तो पहले तो तुम थाने में आओ। अच्छा। और तुम आड़ है उन्हें पाछा पंडित ठह लिया थे, पंडित छटवा के ले गए, बोले ये यहाँ नहीं रहेगा चौकीदार। तो उनका मकसद ये था भाई इनके बंदे जो ये भवन की देख रेख कर रहे हैं ये बंदे नहीं रहने चाहिए, उन्होंने उनके हटाने का षड्यंत्र रचा है भाई इनको हटाया जाए। तो उस पंडे को जगपाल जो प्रधान है हल्का और मेरा तीनों का नाम था, हम अपने जवाब दे के आए हैं। हमने यही कहा था जी जो हमें कुहाड़िया काटे हैं उन पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, और हमने कहा तुम्हारी आख्या मांगली देंगे उस पे आप पूरी कार्रवाई कर रहे हो। फिर आख्या मांगली देना भी तो आपने वैसे तो गलत कहा था। फिर तो भाई आख्या मांगली मान ले यही भवन, हम भवन अपने दिल जान से चाहते है। अगर मान भवन के प्यार में कह दिया आपने, नहीं मान ली गाड़ी में 8 सुई मार दिए तो ये पता दो टायरों में पंचर कर दिया, 2 ट्यूब नहीं आई तो नुकसान कहाँ का होया, भवन का होया। भाई साहब आपके ऊपर भी देखो मैं सच्चाई गल रहा हूँ, सोनू मालपुरी अगर ये देखो आपकी ये वीडियो पुरानी काफी पुरानी, इनका बदनाम करे जाओ मैं ही हूँ ये। और ये है 17 जून 2020 की है वीडियो, ये मेरे 5-6 हथियार जमा हो गए पुल्ली थाने में और मेरे 12 दिन में जेल में भी रहा। तो ये चलो देखो मैं तो था नहीं, मारे बालका पे गलती होगी उन्होंने वीडियो इस पर डाल दी, लेकिन मेरा उस दिन जन्मदिन था और मैं पहला जन्मदिन मना रहा था अपना गांव घर अपने घर में, तो जो कर परिवार ने तो मन भी हथियार चलाने की मखा चला के देख लेते हैं ये हथियार किस लिए होते हैं, मान लिया हमने वो चला के नहीं देखे ये हथियार हमारे घर 2 लाइसेंस थे, 4 हथियार हमारे घर के हैं, 4 मेरे के रिश्तेदार के हैं, हमारे दौरे 8 हथियार थे, 8 हथियार हमें बता मान लिया मैं अपने हथियार लेकर मैं अपने घर में चला के देख रहा हूँ किसी को धमकी नहीं दे रहा किसी को मार नहीं रहा, लेकिन वो हमारे बालक पर गलती उन्होंने वीडियो वायरल कर दी और वीडियो वायरल करके तो उसका तो हरजाना हमने भोग गया है, मैं 12 दिन जेल में रह गया, मेरा मुकदमा लग गया है। इसी मुकदमे में मेरे हथियार भी जमा, मेरा लाइसेंस भी जमा है मेरा जो, तो इस चीज का कुछ मेरे गांव का है कि एक दो ये भाई हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है अगर भाई जगपाल को इनको इस भवन से बाहर निकालो और सरकार सीटीएम खोट तो नु कर रखे, हमने इसका किराया बढ़ा दिया, हमने भवन की कुछ तरक्की करी है, हमने पानीपत जिले की किसानी को पहचान दुआई है, हमने जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं ये हिमाचल के टूर मारे थे सोनूमाल प्रियानो को पहचान नहीं दुआई। मैं तो हिमाचल भी गया भाई, पंजाब भी गया, उत्तराखंड भी गया, मैं तो यूपी में भी गया, राजस्थान भी गया, मैं तो कोई धरना ऐसा नहीं है जहाँ मैं मेरी धरना भी हमारे अपना हिमाचल में जो हमारी किसान यूनियन है वो कमजोर है, वहाँ थोड़ी सी सरकार से दबाव में है यूनियन, वहाँ यूनियन के बीच में कोई किसान यूनियन में नहीं आता। अच्छा। तो हमारी जिम्मेवारी लगाई गई थी भी हमने हिमाचल और पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने। अच्छा। तो हमारी जानकारी थी हमने अपने पंजाब में अपने हिमाचल में अपने संगठन को हम तैयार कर रहे हैं और राजस्थान भी जाते हैं, यूपी में जाते हैं, उत्तराखंड भी जाते हैं, मैं हर जगह जाता हूँ। ये मेरे को एक टिकै साहब ने भी पावर कर दे रखी है कि भाई किसानों को जोड़ो, और हमने छोटे भाई ये किसान जोड़ के दिखाए हैं, किसानों की लड़ाई लड़के दिखाई है, मेरे 183 टूर है 2 साल में, जिन आंदोलनों पे जिन धरनों पे जिनकी समस्या सोल्व करी है वो जो मैंने किए हैं 183 ईब। उसमें मैंने खर्चा तो कर रखा है 80 लाख रुपये का गाड़िया का तेल का, और हमने दिखा रखा है उनमें 8 लाख का ईब, तो इस चीज का फर्क नू लगा ले 2 साल में, वो कभी तो कुछ बहाना बना कभी कुछ बहाना ही मान ले। मुनीम तो ये कह रहे हैं सोनू के 1,02,400 रुपए भवन की तरफ बनते हैं, ईब थाने का मुंशी ऑडिट करवा लिया, आप तो ऑडिट करवा लिया करवा, हाँ ऑडिट करवाने की बात है, ऑडिट करवाने की बाद की बात है, थाने में मुंशी घर में घरवाली, अरे भाई अपने भवन में मुनीम या किसी दुकान पर मुनीम, ये इनका लेखा जो समझ सकते हैं कि तेरे घर में के हल्दी नून मर्च कित है घर के बताऊंगे तने नहीं बेरा या ना ना मने बेरा एक पता है मनीष। तो जो वो मुनीम कर रहे उसकी बात पे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे, वो अपना कुछ न कुछ बायोडाटा करते हैं। मैं सारे पूरे जिले को ये कहता हूँ, पूरा जिला जिला नहीं,
पूरे हरियाणा की मीटिंग करूंगा मैं, और पूरे के हरियाणा की मीटिंग एक बार, दो बार, दस बार, जितनी बार हिसाब लेना चाहे, जितनी बार, लेकिन इनको नहीं दूंगा मैं। ये पछली बार करो थे, पछली बार कैंसिल होगी किसी कारण थे, पुलिस आई थी, हम भी उड़े पहुंचे, फिर पुलिस आई नु बोले पहले तो बोले रोला रबदा हो गया, मेरे फोन आए, और फिर नु बोले पुलिस आका गाड़े तो कुछ बातें नहीं, हम तो घूमना रहे थे। मैं चीज के छोटे भाई, जब हम पंचायत करते है ना, ये सीटीएम साहब पुलिस वाला कह देता है, ये सीटीएम साहब और पांच वो छह वो जो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे तो पांच छह उनके छह हैं, तो एक सीटीएम साहब हो गया, तो सीटीएम साहब वाला फोन करे भी नहीं, तक जो मुखाजी कहां से बोले ऊपर से आदेश है, सीटीएम साहब तक मुखाजी आपने कैसे आदेश कर दिया, आपकी तो पावर है, कोने बोले मेरे पास भी ऊपर से आदेश है, ऊपर हमने भाई ऊपर का नहीं बेरा, एक डीएसपी साहब के नाम से मेरे से पैसे मांगे गए, अच्छा, मेरे पास रिश्वत मेरे पास उसकी बायोडाटा भी है, उसकी वो भी है, फोन को रिकॉर्डिंग भी है, और उसके जो कॉल आई है व्हाट्सएप पे वो भी है, और उसके हमने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं, तो मैं एक एप्लीकेशन डीएसपी साहब को देने गया, जी आपके नाम से मुझसे कोई पैसे मांग रहे हैं, डीएसपी साहब का वर्दली था, वो बोला भाई एसपी साहब के वहां लिखवा दो, तो मैंने वो एप्लीकेशन वहां लिखवा दी, जी इस तारीख को मेरे पे इतने फोन आए हैं, अगर भाई तुम्हारे भवन का 1,60,000 रुपये, भाई तुम्हारे भवन का मैटर सुलझा दूंगा, और मुखाजी डीएसपी साहब के नाम से फोन कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है डीएसपी साहब ने कोई फ्रॉड आदमी है, लेकिन मेरी उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपकी तो सुन दे नहीं, क्यों ना सुन दे, कैसे रहा है, फिर मैं बात छेड़ूंगा, पूरा गैंगस्टर है बिला, तो पिछली देख मैंने नू बताई थी भाई, मैं आया था 17 दिसंबर 2018 को, मैंने पूरे समाज को, पूरे जिले को, पूरे अपने हरियाणा वासियों को, पूरे अपने भाईचारे को ये कहा था, अगर मैं 17 दिसंबर 2018 के बाद तब मेरे में कमी काट कर दिखा दो किसी भी चीज में, मैं तुम्हारा गुनहगार ना, तो भाई हम चोर ना जार ना झूठे, मारे में खास आदत है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने यही कहकर मरे थे बेटा इन चीजों से बचिए, तो भाई हम तो एक समाज की सेवा कर रहे थे, अपने किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ भाई सरकार के दबाव में आके, सांसद के दबाव में आके, यहाँ सिर्फ ये कह रहे भी तुम राजनीति चल रही है, मैंने वैशाला राजनीति चल रही है, अब भाई इस यूनियन का थेड़ा पिट्टो, मैं वो बात है भीतर की बात कही, नहीं जाया करा बुरा मानना तो उसके लिए पहले माफी, एक छोटी सी बात है, अजय चौटाला गलत जेल आप भी काट रहे हो, आपके भी लिंक हो गए, फिर तो आप भी अपना ऊपर का दबाव लगवा सको, वो क्यों नहीं लगवा रहे, सब पूरे हरियाणा में बेरा बात, तो अब भाई उससे जेल माफ थे, उससे मैं और आपके दोस्त भी, तो भाई बात भी इतना बढ़िया बुझी, लव कुश भाई मेरे साथ आसाम का सीएम भी रह रहा है मेरे साथ, और भी कई सीएम और कमिश्नर रह रहे हैं, कती गल एक नु आगर जेल में, और एक नु आगर कती घर में, अजय भाई साहब के साथ, बड़े भाई हमारे अजय भाई साहब के साथ, मैं बिल्कुल तय दिल से हम साथ रहे हैं दिल्ली जेल में, हम साथ घूमते थे, साथ फिरते थे, लेकिन मैं तो आपको ये बताऊं, अगर मान ले अजय भाई साहब हमें छोटा भाई मानते तो सरकार है उनकी, तो भाई साहब ये नौबत मेरे लिए नहीं आती, जो नौबत बात खोट मारी मतलब। हाँ खोट में क्या रही, मैं तो भी किसानों से जुड़ रहा हूँ, उनके कुछ यहाँ जो नेता हैं उस पार्टी के हमारे भाई साहब वाले के, वो उनको गुमराह करते हैं, आज भी सपोर्ट में दिखो जी। हाँ हाँ, तो मतलब कि देखो मैं तो उन भाई साहब का, हम तो साथ रहे हैं भाई, उनका पार्टी बाजी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा अंदरूनी और मेरा दिल का मामला है जय चौटाला जी से, भाईचारा से, लेकिन अगर मान ले मेरे वो खास है, ये मेरी वीडियो सब देखते हैं, आप लोग जो करे ये भी देखते हैं, तो मान ले जब सरकार उनकी है और मुझे ये धक्के खाने पड़ रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इन बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी उम्र देख लो कितने बड़े हैं कि देख लो, तो नू बताया जो मेरे तय, भाई मैं क्या समझूं, मैं भाईचारा समझूं क्या द्वेष भावना समझूं, अगर मान ले हमने कह के भी देख लिया, अगर जी हमारे साथ ट्राई किया है बात करने की, सीएम ते बात करी होगी आपने, उनका बेटा डिप्टी सीएम है, बहुत बड़ी चीज है डिप्टी सीएम, वो एक दादा गौतम ने उनकी पार्टी ने बोला 10 के 10 महक में जी मेरे भाई साहब, इतनी मेहनत करी थी हमने सिर्फ एक अजय भाई साहब के ऊपर, इतनी मेहनत करी जो इतना हमारा दम था ना, हमने चाहे पहले इस यूनियन से पहले चाहे जीन चुनाव चाहे कहीं हो, हमने ना डिप्टी सीएम से कुछ लेना, ना दिग्विजय से कुछ लेना, ना हमने और किसी से कुछ लेना, हमने कुछ लेना था तो डॉक्टर अजय चौटाला से, हम उसको बड़ा भाई मानते थे और बड़े भाई हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के कुछ सदस्य हैं वो जानबूझ के मेरे साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं ये, और उनके पास मैंने ये मैसेज भी भेजा था, मैं गया भी था एक बार, जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और हमने भवन में, तो भवन में भी जब एक बार उनको बुलाने के लिए मैंने कोशिश की थी तो पंचायत से मैंने सलाह ली पूरे जिले इकट्ठे करके, तो कुछ आदमी थे वो नहीं आएंगे, जबकि यहाँ
और भी बतेरे राजनीति आए हैं, फिर हमने वो राजनीति वाला सिस्टम बंद कर दिया था, तो फिर भाई वो नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। मेरा अब एक प्रश्न है, क्योंकि देखो वीडियो छोटी है, थाने बाहर खड़े हैं, छोटा सा सवाल एक और है, थोड़ा कड़वा लगेगा बेशक, कड़वे कर, आप ये नाटे हैं जब पंचायत ना करो। हाँ नाटे हैं, नाटे हैं। हाँ क्यों करो, क्या दिक्कत है, क्यों करो, सीधी बात पूछ, क्यों करो भाई साहब जब अगले नाटे हैं ना करो। मेरी सुनो, पहली बात तो मेरे किसानों की पंचायत में प्रशासन का सरकार का कोई लेना देने नहीं, हम सरकार से भी इनसे भी खिलाफ हैं। पंचायत तो उन तलग हो यार। नहीं नहीं नहीं, मेरे जो मेरी जो एक तारीख की तो जिले की होती है, 28 तारीख की मेरी स्टेट की होती है, ये आज से नहीं, जब से 1989 से भवन बनाया है जब से है ये। लेकिन इसमें कुछ भाइयों के मैंने दुकान दुकान खोस रखी, जो उनसे मैंने काटने की, उसके भाई की दुकान मैंने खोस रखी, 1 से 1700 रुपये बिनने की दुकान का 80,000 रुपये वसूल कर रखे हैं मैंने, तो 1700 रुपये बिनने में एक दुकान का 80,000 कितने साल में बनता है, कुल मिला 15 रुपये पार्टी के है जब जा गए। उनका दिक्कत हो रही है, उनको दिक्कत ये हो रही है, उनको दिक्कत ये हो रही है भाई। हाँ उनका दिक्कत ये हो रही है भाई, हमने कुछ इसका किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने किसानों का जो साथ दिया है भाई, हमने अपने जो किसानों के लिए वक्त निकाला है, और जो आंदोलन में भी लगा लो आप, कहीं भी लगा लो, तो मैंने 24 घंटे अपने किसानों के लिए दिए है। SHO मैडम तो बात हुई कह रहे हैं, SHO मैडम तो यही कह रही है भी ऊपर से है जी, ऊपर करो CTM साहब से बात, फिर CTM साहब के को CTM साहब नु कह दे जी ऊपर से है मेरे, और CTM साहब नु पूछो ना फिर, नु कड़ा ऊपर तोड़ो, ऊपर तक तो पहुंचो, नु कह सीढ़ी कर 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 पहुंचो तो, और मैं किते जाऊं हूं तो भाई किते ओड़ा हम खड़े रहो, मैं बुड्ढा ने लेके मारा तो तमाशा और बना दे, फिर हमने तो नु हाथ जोड़ लियो भाई, देख मारी तरफ से हमने तो शिकायत दे दी, तुम काम करो चाहे ना करो, मैं तो नु कहना चाहूं अपने भाइयों को, जिस वीडियो में जो कुवाड़िया कट्टर कतले कतले करे है उसको तो धमकी नहीं मान रही है, और मेरे भवन की गाड़ी में इन्होंने टायर पंचर करे, और मैंने कहा अब के तुम करोगे तो मैं थारा जमन का बंद दूंगा, थारी अखा मांगली मारूंगा, तो उसको ये धमकी मान रहे हैं, मेरी ठाड़ी धमकी है तो मेरे पे भी कर दो मुकदमा दर्ज, उन पे भी कर दो। फोटो थी मुनीम जी कड़े गए, हाँ मुनीम जी वो फोटो दिखाई हो जी, जिस पे वो आपके जो वो है चौकीदार उस पे पांडे पे वो मुकदमा रहे, दिखाई हो जी फोटो। एक बात मेरी भी सुनो जी, आप दो रहे उदन राजू के लिया सब भी छिन्नी, मैं मौके बता चौधरी फतेह सिंह देसवाल जी, ये भी हुई था मौके बता जी, मैंने डोगे को मसा रोक के पीट दिया, जबरदस्ती चाप भी खोसी उन्होंने। अच्छा हाँ पूरी, मतलब ये जो मुनीम पीट दिया हुंदा। हाँ जी फिर बोर्ड पाड़िया जी, मैंने कहा बोर्ड नहीं लगन दो, मैं किसी का बाड़ा खड़े हो गए, फिर बोर्ड पाड़िया धक्के था जी, ये बात थी जी, 8 दिन ही धक्का करे हमारे एक चीज का, ये दूसरी पार्टी लड़ाई करती है, ये कुछ नहीं करने रोले रोले में, ये वो काम हो रहा है, बिना इतने शांत बैठे हैं, शांत समुद्र जिस दिन समुद्र उफान पा गया एक फूक में सब कुछ साफ ना हो जाए। ओ भाई साफ सूफ की तो बात नू है, मेरे गांव ने 14 साल 15 साल मेरे गांव ने 14-15 साल में मेरे बालक ले आके मेरे गांव में बसाए हैं, मेरे गांव वाले ने मैं मेरी ईट भी नहीं लगने दी, घर भी गांव वाले ने बना के दे रखे है, सर्वसम्मति सरपंच बना रखे है, तो ये हमारे से कोई गलती होगी ना तो सारा गांव नु गाल खाओगा, अगर इन नए गांव नहीं लिया बसांदा तो हमारा नाश नहीं होना था, तो भाई हमने एक बात तो पल्ला गांठ बांध लिया, अड़बात तो करनी है कोई ना, बस अड़बात देखो इतने गिरे बंद तक हाथ नहीं आता, इतना मलबाद कोई अलबाद नहीं करेंगे, जो कर जो कह रहे हैं ये ठीक है भाई, समाज अपने आप नंबर दे देगा, और जिस दिन हमारे मान सम्मान नहीं रहेगा उस दिन फिर हम भी जीना नहीं चाहेंगे, हमारी तो ये सोच है, बाकी हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। 18 में मैं आया हूँ, 18 के बाद ये 18 के बाद मैंने ये कहा 18 के बाद तब मेरे में कोई कमी कोई खोट कोई गलती निकाल के दिखाओ, हम आपके गुनहगार हैं। या फोटो जी इतनी करके दे रखी है जो थाने में, जो हमने भी देखे, जो कर बात से बिला पुलिस में गिन गए हमारे भी हैं, तो हमने देखे अभी तर जागा, या फोटो दे रखी है, अरे ओरिजिनल देखा अनुको है, या फोटो दिखा कर, यो हथियार दिखा कर रोड़ा करने की इसने कोशिश करी, या फोटो ये सुनील पांडे है मेरे साथ जेल में रहा था, बहुत बढ़िया छोरा है, जेल काट के मेरे साथ मैंने इसको यहाँ पर चौकीदारे लगा दिया, गरीब आदमी था दिल्ली रहा था, तो इसने ये कब की है, ये 7 जुलाई 2000 दिखा दे भाई, 18 की 17-18 18 जी 18। अच्छा 7 जुलाई 2018 की है, तो ये मान ले जब मेरे 17 जून 2000 को जब मैंने वो मैं बता रहा हूँ 2020 को मैंने फायरिंग करी, उस फायरिंग में मेरे 6 हथियार जमा हो गए,
तो हथियार तो लाइसेंस वाले मेरी गिल रहे थे, मैंने तो फिर प्रधान बनने के बाद सब हथियार पथियार वाले सब साइड कर दिए। मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ रहता हूँ, नाम की सिक्योरिटी तो नाम को डोगा ले रहा है, को अपनी तलवार ले रहा है संभाल खातर। हाँ बस भाई, तो अपना बुजुर्गों के साथ हूँ और बुजुर्गों के कई मैं चालू हूँ। मैंने तो अपना जीवन ना बिल्कुल सेवा में लगा लेना है ना, मैंने किसी से डर कोई मर्द हो मार देगा, जिद ना आ रही उतने को टालनी है नहीं। ठीक बात है। हाँ भाई, जिस दिन नहीं आ रही उतने को मारनी है नहीं। मारे पे कहीं हमले हो लिया, हमने बेरा है जीवन का। अब भाई मारे जीवन में जब मृत्यु लिखी होगी उसको कोई टालनी है, ऊ हम डरे कोने। लेकिन हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई हम जब तक हमारी सांस है मैं अपने किसान भाइयों के लिए यही लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसमें चाहे मुझे तकलीफ आए, चाहे मेरे पास मुकदमे लगे, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आनी पड़ जाए, इस चीज को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। भाई मैं अपने इन केवल जुम्मा के डर तक खांदड़ा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक बात। हाँ अरे भाई भवन जिंदाबाद। चलो भाई फिलहाल इस वीडियो शेयर करो, काफी लंबी वीडियो होगी है। थाने में तो फिलहाल सोनू मालप्रिया आए हैं, तो इस वीडियो शेयर करो। थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।